नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। प्रश्नकाल में वो सवाल जिनका पूछा जाना बेहद जरूरी है, और आज के प्रश्नकाल में हम आज से शुरू हो रही प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की विदेश यात्रा की बात करेंगे, जिसमें वो फिलिस्तीन, यूएई और ओमान की चार दिनों की यात्रा पर जॉर्डन पहले से ही पहुंच चुके हैं। पीएम की यात्रा के दौरान भारत और खाड़ी देशों के बीच में व्यापार, निवेश, सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, ऊर्जा समेत कई अहम द्विपक्षीय संबंधों पर जोर दिया जाएगा। 9 से 12 फरवरी तक की इस यात्रा में पीएम अबुधाबी में उस मंदिर का भी शिलान्यास करेंगे जिसके लिए अबुधाबी सरकार ने जमीन दे दी है। कहा जा रहा है कि इस्लामिक राष्ट्रों के गढ़ में ये पहला भव्य हिंदू मंदिर होगा। ये मंदिर कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, इसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सबसे पहले इंडिया न्यूज के डिप्टी एडिटर सुशांत सिन्हा के साथ देखिए। इस वक्त मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ वो इतिहास का गवाह बनने वाली जगह है, और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जमीन नजर आती है दूर दूर तक। ये 20,000 स्क्वायर मीटर का एरिया है, और अभी इस वक्त सामने जो आप ये इमारत नुमा चीज देख रहे हैं, फिलहाल तो ये पंडाल है, लेकिन ये जो है वो मंदिर होगा जो कि अबू धाबी में बनने वाला है। और इस्लाम जहां से जिस इलाके से आगे बढ़ा, फैलता चला गया दुनिया में, वहां पर दुनिया का नहीं लेकिन कम से कम अबू धाबी का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनकर तैयार होने जा रहा है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसको इस लिहाज से समझिए, मैं आपको अंदर से मंदिर कैसा होगा वो भी दिखाऊंगा, अभी तो ये सिर्फ ढांचा तैयार हुआ है, लेकिन ये मंदिर जो है वो 20,000 स्क्वायर मीटर में होगा। और इसकी खासियत मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि पूरे यूएई में सिर्फ दुबई में दो हिंदू मंदिर हैं और एक गुरुद्वारा है, और अगर आप अंदर आएंगे तो आप देखेंगे कि कितना भव्य ये मंदिर होने वाला है। अगर आप पूरा इलाका देखें, ये पूरा मंदिर का हिस्सा होगा, और इस मंदिर में अगर आप सामने देखेंगे तो वो आपको तस्वीर दिख रही है इस मंदिर की, ये स्वामी नारायण का मंदिर होगा। और अगर आप इसको कंपेयर करना चाहें तो आपने जो दिल्ली में अक्षरधाम का मंदिर देखा था उससे कंपेयर कर सकते हैं, और अगर मैं आपको पास ले जाकर दिखाऊंगा तो इसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये मंदिर तैयार होगा। अब इस मंदिर को अगर आप करीब से समझिएगा तो देखिए, ये आपको अगर देखने में एक झलक देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप दिल्ली में जो बिरला टेम्पल है उसकी ऊपर का हिस्सा आपको लगेगा जैसे बिरला टेम्पल को देख रहे हैं, और अगर आप नीचे का हिस्सा देखेंगे जो दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर है वहां स्वामीनारायण की जिस तरीके से स्थापना की गई है उसी तरीके की मूर्ति नजर आती है। इसमें अगर आप बाईं तरफ देखेंगे तो राधा कृष्ण की मूर्ति होगी, उसकी बाईं तरफ आप देखेंगे तो शिव पार्वती नजर आते हैं, और अगर आप दाहिनी तरफ देखेंगे तो राम और सीता नजर आते हैं, और उसके बगल में भगवान अयप्पा नजर आते हैं। तो ये वो मंदिर का ढांचा है जो कि मंदिर बनकर तैयार होगा, और आपको यकीन नहीं होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ 9 से 12 महीने के अंदर तैयार कर लिया जाएगा। इतना ही नहीं, इस भव्य मंदिर को जब बनकर तैयार हो जाएगा तो इसके सामने एक झील भी होगी ये कहा जा रहा है। इसके अलावा बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको सजाया जाएगा। अगर आप अक्षरधाम के मंदिर में गए होंगे दिल्ली में तो आपने देखा होगा कि जबरदस्त वहां पर बाग बगीचे बनाए गए हैं, तो उसी तरीके से ये पूरा हिस्सा जो है अगर आप देखें कितना भव्य नजर आता है। और ये सब तब हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछली दफा यहां यूएई आए थे दौरे पर, और उस वक्त जमीन देने की बात की गई थी। अब जाकर ये जमीन मिल गई है, और जमीन मिलने का मतलब ये है कि अब यहां पर अबू धाबी में सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल बनकर तैयार होने जा रहा है। और इसकी एक और खास बात मैं आपको इस लिहाज से समझाना चाहता हूं कि पूरे अगर आप यूएई में देखेंगे, खासकर अबू धाबी और दुबई में, करीब करीब 2,80,00,000 लोग यहां पर रहते हैं, जिसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदू मान्यता को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज है। जो दो मंदिर मैं जिनका जिक्र कर रहा था जो दुबई में बने हुए हैं, उनके वो बने तो जरूर हैं लेकिन वो इस तरीके से बने हुए हैं और इतनी कम जगह में है कि आप अगर जाएंगे वहां पर तो उनको ढूंढते रह जाएंगे कि मंदिर है कहां, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर इस मंदिर को आप देखेंगे तो आप देखिए कि कितना बड़ा हिस्सा है, कितना बड़ा एरिया है। जैसे मैं आपको बता रहा था 20,000 स्क्वायर मीटर, मतलब अपने आप में आप देखेंगे और सोचेंगे तो आपको लगेगा कि कितना विशाल का ये मंदिर होने जा रहा है, और उसकी एक झलक हमने आपको अभी दिखाई है। ये बिल्कुल अगर आप अबू धाबी से निकलेंगे तो करीब आधे घंटे की दूरी पर पड़ता है, अगर आप दुबई से आएंगे तो करीब एक घंटे की दूरी पर पड़ता है, यानी दोनों से पास है, और जो दोनों इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए आस्था का केंद्र बनेगा। मोदी सरकार के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी, भले वहां अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पा रहा हो लेकिन यहां अबू धाबी में
एक ऐसी जगह जहां इस्लाम सबसे ज्यादा माना जाता है, वहां पर एक इतना बड़ा भव्य हिंदू मंदिर बनना अपने आप में एक बड़ी कामयाबी मोदी सरकार के लिए मानी जाएगी। अबूधाबी हाईवे से कैमरा पर्सन जेना के साथ सुशांत सिन्हा, इंडिया न्यूज। और हमारे साथ सीधे अबूधाबी से मेरे सहयोगी सुशांत सिन्हा इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुशांत, जैसा कि आप खुद ही बता रहे थे कि एक या दो मंदिर ही हैं, और खाड़ी मुल्कों की भी बात की जाए वहां पर इतनी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, तो संकेत के लिहाज से, संदेश के लिहाज से ये बहुत ही अहम पहल होनी जा रही है, वहां पर कितना उत्साह देख रहे हैं आप इसको लेकर? आंचल देखिए, मैं अबूधाबी में था लेकिन पूरे एक डेढ़ घंटे का रास्ता तय करके मैं दोबारा दुबई लौटा इस शो के लिए, ताकि हम दर्शकों को समझा सकें कि जो अबूधाबी में मंदिर बन रहा है उसकी अहमियत क्यों इतनी ज्यादा है। मैं जिस मंदिर में खड़ा हूं ये दुबई का मंदिर है, और मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये जो पूरा मंदिर है ये 1000 स्क्वायर फीट में बना है। अगर आप 1000 स्क्वायर फीट को समझेंगे तो करीब हम दिल्ली में जो 2 BHK का घर लेते हैं ना, उतने में ये मंदिर बना हुआ है। और इतना ही नहीं, मैं आपको उधर दिखाना चाहूंगा कि ये दुनिया का शायद इकलौता मंदिर होगा जिसमें इसके अंदर ही गुरुद्वारा भी बना हुआ है। मतलब इतनी कम जगह थी कि इसी के अंदर मंदिर भी बना दिया गया, और जो सिख समुदाय के लोग थे उनके लिए ये गुरुद्वारा भी बना दिया गया। और 1950 में जब ये मंदिर बनकर तैयार हुआ तो सिर्फ और सिर्फ ये जो आप बिजली का बोर्ड देख रहे हैं, इतनी दूर में ये मंदिर हुआ करता था जो अब फैलकर इतना हुआ है। अब इसको इस बात से समझिए कि 1950 में जिस मुल्क में 1000 स्क्वायर फीट की जगह मिलती थी मंदिर के लिए, वहां पर अब 20,000 स्क्वायर मीटर के लिए अगर जगह मिल रही है मंदिर बनाने के लिए, तो भारत का कद कितना बड़ा है, भारत का रुतबा कितना बड़ा है कि एक सरकार जो है वो अब इतनी बड़ी जमीन दिल खोलकर दे रही है भारतीयों के लिए, हिंदू समुदाय के लोगों के लिए, ये इस कंपैरिजन से समझ में आता है। सुशांत, आपके इर्द गिर्द मुझे बहुत लोग दिख रहे हैं, और उधर एग्जैक्टली क्या टाइम हुआ है, क्या आप कुछ लोगों से बात भी कर सकते हैं कि मोदी दौरे को लेकर वो कितने उत्साहित है? सर, मेरी जो एंकर है वो ये जानना चाह रही है कि नरेंद्र मोदी जो दौरा कर रहे हैं उसको लेकर आप लोगों में कितना उत्साह है? हम लोग में बहुत उत्साह है, हम लोग भी ये सोच रहे हैं कि हम लोग को भी बड़ी जमीन मिल जावे, हमारा भी जो है उधार कर दे। अच्छा ये बताइए, आप लोग दुबई में रहते हैं, आप लोग मोदी जी को लेकर चर्चा करते हैं क्या, या भारत में क्या हो रहा है इसको लेकर चर्चा करते हैं? मोदी जी काम कर रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे? इसे आई नो इंग्लिश, इंग्लिश मोदी जी उधर तो वी वुड लाइक टू गेट ए गुड टेम्पल ऑल्सो हियर ऑल्सो वी एक्सपेक्टिंग। मोदी जी वहाँ कैसा काम कर रहे हैं भारत में, आप लोग को क्या लगता है? मोदी जी नंबर वन काम कर रहे हैं, और इंडियन के लिए इधर हम लोग प्राउड फील कर रहे हैं। आए हैं तो आप लोग क्या चाहते हैं, क्या यही मोदी जी बस इंडियन का ख्याल करें, हमको उनके ऊपर पूरा भरोसा, 100% भरोसा उनके ऊपर। आप लोग को क्या लगता है, आप लोग चर्चा करते हैं क्या संसद में, मोदी जी बोलते हैं तो ठीक बोले नहीं बोले? ठीक है, जो भी बोले अच्छा बोले। अच्छा बोले, अच्छा काम कर रहे हैं जी। और यहाँ आए तो क्या करके जाएं? अच्छा करके जाए, मंदिर बड़ा बना के जाए, जगह बड़ी देवे जी। तो आंचल आप देख सकती हैं कि जो लोग हैं उन सबको, यहाँ पर ज्यादातर को कह सकता हूँ, सबको तो नहीं, ज्यादातर को लगता है कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, भारतीयों का नाम कर रहे हैं। बिल्कुल, और उनके लिए अच्छा काम आकर वहां पर करें। सुशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। बहरहाल, 3 दिवसीय विदेश यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम जॉर्डन पहुंच चुके हैं। इस दौरान जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया। मोदी ने यात्रा पर निकलने से पहले ही कहा था कि मैं ट्रांजिट सुविधा के लिए जॉर्डन के मजिस्ट्री किंग अब्दुल्ला द्वितीय का आभारी हूं। मैं 9 फरवरी को ओमान में उनके साथ होने वाली बैठक को लेकर भी बेहद सकारात्मक हूं। मोदी के बयान का बड़ा असर जॉर्डन में दिख रहा है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जॉर्डन के रास्ते से फिलिस्तीन रवाना होंगे। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला फिलिस्तीनी दौरा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिंह इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं फिलिस्तीन से। आशीष, ऐतिहासिक दौरा है, पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां पर जा रहा है, और इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू अभी कुछ दिन पहले भारत के दौरे से गए हैं, और पैलेस्टीनियन राजदूत ने यह तक कह दिया है कि उनको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी एक तरह से पीस के लिए एक काम करेंगे, एक शांति के दूत बनकर उभर सकते हैं। तो वहां पर इसको लेकर किस किस्म की सरगर्मी है और चर्चा है?
जी आंचल, जाहिर तौर पर ये एक ऐतिहासिक दौरा है, पहले ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अब से कुछ ही घंटों में जब वो यहां पर लैंड करेंगे, केवल 100 किलोमीटर, लगभग 100 किलोमीटर ही दूर है यहां से, और मुझे बताया गया है कि वो हेलीकॉप्टर से सीधा प्रेसिडेंट सेक्रेटरिएट में जो पैलेस्टाइन में है वहां पर लैंड करेंगे। जहां तक रही बात की पैलेस्टाइन के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विजिट से, अभी मैं केवल कुछ समय पहले ही जो पैलेस्टाइन के एम्बेसडर हैं इंडिया के लिए अब्दुल अदनान अल हाइजा, उन्होंने मुझे बताया कि पैलेस्टाइन बेसिकली पॉलिटिकल सपोर्ट एक्सपेक्ट करता है इंडिया से। इससे पहले लगभग 4 ऐसे मीटिंग्स हो चुकी हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी और पैलेस्टाइन प्रेसिडेंट के बीच में, लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री मोदी पैलेस्टाइन आ रहे हैं। इसका एक पूरी दुनिया को मैसेज भी जाता है, इस तरह का जो दौरा है वो केवल भारत और पैलेस्टाइन के बीच में दौरों के मद्देनजर नहीं देखना चाहिए, इसका दायरा काफी बड़ा है, इसका मैसेज काफी बड़ा है। देखिए जिस तरह से 8 महीने में इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू दिल्ली आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेल अवीव आए थे, और ये जानते हुए कि इसराइल और पैलेस्टाइन एक दूसरे के दुश्मन के समान हैं, उसके बावजूद अगर आप केवल अगले ही महीने में आप दूसरे भी कंट्री के साथ में एक बायलैटरल रिलेशन, एक बायलैटरल एमओयू साइन कर लेते हैं, इससे देश को, एक पूरे विश्व को, देश की तरफ से एक बड़ा मैसेज जाता है कि जो भी एक अनबायस्ड या फिर एक साइड न लेने वाली स्ट्रैटेजी रही है इंडिया की, वो मेंटेन रही है। ये केवल भारत ही एक ऐसा देश है, बड़ा मेजर इकोनॉमी, जो ये एक साथ में कर सकता है कि वो इसराइल के साथ में भी एंगेज करे और पैलेस्टाइन के साथ में भी करे। याद रखिए कि जब पिछले महीने प्रधानमंत्री नेतन्याहू यहां पर दिल्ली में आए थे, तब उस समय ये देखा जा रहा था कि पैलेस्टाइन के सपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र में भारत ने वोट किया था, उसका भारत और इसराइल के बीच में रिलेशन पर काफी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जिस जोर गर्मी से स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नेतन्याहू का, वो पूरी तरह से एक बड़ा मैसेज दिया गया कि स्ट्रैटेजी अपनी जगह, पैलेस्टाइन अपनी जगह, बिजनेस अपनी जगह। भारत किसी भी तौर से दो देशों के बीच की आपसी दुश्मनी को लेकर अपने रिश्तों को नहीं किसी तरह का इम्पैक्ट होने देगा, और ये एक वर्ल्ड के लिए बड़ा मैसेज है। जनरली हम देखते हैं कि जो भी कोई मेजर इकोनॉमी होता है या फिर मेजर सुपर पावर होता है वो एक साइड लेता है, भारत अब साइड नहीं लेता, वो इसराइल और पैलेस्टाइन दोनों को एक महीने के दरमियान के भीतर ही एंगेज करता है अपने अपने तरीके से, अपने अपने स्तर पर। बिल्कुल, मेजर पॉलिसी शिफ्ट है और ऑन द ग्राउंड अब उसका असर नजर आ रहा है कि दोनों ही मुल्कों के साथ, इसराइल और फिलिस्तीन के साथ, भारत के अच्छे रिश्ते नजर आ रहे हैं। सुशांत और आशीष, आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।